इतना कूल चीज मैंने आज पहली बार रिकॉर्ड किया है यूट्यूब चैनल के लिए। वाह, आपने वो पैटर्न देखा? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ मोबाइल फोटोग्राफी एंड ब्लॉग्स। और आज हम देखेंगे कि कैसे मैंने ये सोप बबल वाला फोटोग्राफी किया था। सो जब से मैंने ये जो पोस्ट है ना, जो सोप बबल वाले फोटोग्राफी का, मैंने इंस्टाग्राम पे जब से रखा था, तब से मुझे ये क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का आते रहता था कि ये कैसे क्लिक किया है। मतलब बहुत सारे लोगों को तो ये मतलब एक्सेप्ट करने में ही मुश्किल थी कि ये सोप बबल है क्या, ये कोई एडिटेड पिक है या फिर ये कोई ऐसा मीन्स कोई वॉलपेपर या फिर कुछ ऐसा समथिंग है जिसको आपने क्या बोलते हैं एडिट करके किया हो, या फिर इट इज़ फेक, टोटली फेक, ऐसा उनको कहना था। और कुछ लोगों को तो ऐसा कहना था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। मीन्स उनको ऐसा लगता था कि तो मोबाइल फ़ोन पे क्लिक कर नहीं सकते, इसके लिए कोई डेडिकेटेड एक्सेसरीज चाहिए होंगे या फिर क्या बोलते हैं जैसे मोबाइल DSLR चाहिए होगी या फिर कुछ ऐसा डेडिकेटेड ऐसा सेटअप अपने को क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये क्लिक कर सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने ये टोटली मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही क्लिक किया, और जो घर पे जो एक्सेसरीज़ है जो अपने पास जो सबके पास होता है वो सब चीज़ों को यूज़ करके ही मैंने ये बनाया। इसमें कोई एडिशनल एक्सेसरीज या एडिशनल इक्विपमेंट्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। मीन्स आपके पास जो भी फ़ोन है या फिर जो भी कैमरा है आप उसको यूज़ करो, ये मत सोचो कि मुझे ये वाला सेटअप चाहिए, ये वाले लेंस चाहिए, या फिर ये वाले फ़ोन होता तो या फिर ये वाला लेंस होता तो मैं ये क्लिक कर पाता। कीप दैट अवे फ्रॉम योर माइंड, यू कैन डू फ्रॉम वॉट एवर यू हैव। बस आपको करने का एक आइडिया होना चाहिए और आपको करने का डेडिकेशन होना चाहिए। मैं अपने फ़ोन के लेंस को मैं कितना हो सके उतना एक्सप्लोर करा रहा हूँ इस चैनल के थ्रू, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप जाके देख सकते हो मैंने उस सो बबल वाला पिक रखा है। और उसके ऊपर से मुझे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन भी आया था कि प्लीज़ मेक अ ट्यूटोरियल ऑन दिस सो दैट दे कैन ऑल्सो डू मोबाइल फोटोग्राफी एट होम एंड दे कैन ऑल्सो डू सोप बबल फोटोग्राफी विद द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन एट देयर होम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो रेनबो जब फॉर्म होता है इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंशियल रिफ्लेक्शन। ऐसा ही फिनोमिनन होता है सोप बबल में भी। सोप बबल में एक्चुअली ऐसा होता है कि इंटरफेरेंस फिनोमिनन होता है लाइट का। मीन्स जो लाइट जो इंटरफेयर होता है वो सोप बबल के इनर और आउटर जो सर्फेसेस होते हैं उसके थ्रू पास होता है, और जिसके वजह से जो अपना जो वाइट लाइट होता है ना उसका एक रेनबो कलरिश हो जाता है। आपको एक 7 कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जिसके वजह से एक अच्छा सा पैटर्न उसके ऊपर एक सोप बबल के ऊपर ऐसा फॉर्म होता रहता है। एंड एट द परफेक्ट टाइमिंग यू कैन क्लिक योर फोटो व्हेन द पैटर्न इज जस्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द बबल। यस, सो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे ये मैंने क्लिक किया है विद द हेल्प ऑफ घरेलू एक्सेसरीज या ऐसे मैं कहूँगा, क्योंकि होम अप्लायंस घर पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आप ऐसे बाहर के चीज़ों को देखते हैं कि मुझे ये कंडीशन चाहिए, मुझे वो कंडीशन चाहिए, तो मैं एक अच्छा सा क्लिक कर सकता, बट नहीं, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये घर के चीज़ों के थ्रू कैसे कर सकते। लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट और करके दिखाते हैं, चलो। सो नॉर्मली जब आप सोप बबल फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल्स या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ जो आप ऑनलाइन देखोगे या फिर सोशल मीडिया में आप जब देखने जाते हो, तब आपको ये पता चल जाता है कि जो क्रिएटर्स होते हैं उन्होंने ऐसे सब रखा है कि मतलब जो सेटअप जो डेवलप किया है उसको बहुत ही क्रिटिकल बनाया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग अ लाइट सोर्स, जिसमें लाइट सोर्स होता है जो वाइट लाइट होता है, जो वाइट लाइट वो स्कैटर होता है इंटरफेरेंस के कारण, और जिसकी वजह से क्या होता है एक पैटर्न आता है कलर का पैटर्न, जो कलर पैटर्न आपको दिखता है वो एक्चुअली आप क्लिक करते हो मैक्रो में। सो नॉर्मली जब क्रिएटर्स ने जब ये क्रिएट किया है तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्होंने एक लाइट अरेंजमेंट LED लाइट सेटअप किया या फिर एक लाइट अरेंजमेंट बहुत बड़ा वाला लगाया, तो आप बेसिकली ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम क्या यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली घर पे तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। या तो हमें एक ऐसा सेटअप बनाना पड़ता है, एक टेबल ऑन द डाउन, फिर उसके ऊपर ऊपर से एक लाइटिंग अरेंजमेंट रखेंगे, और यहाँ पे जो हमारा जो कप होगा, कप के अंदर सॉप सॉल्यूशन होगा, और सॉप सॉल्यूशन के ऊपर जो बबल फॉर्म होगा उसके ऊपर जो लाइट्स पड़ेंगे, तो ऐसा सब होता है। तो मुझे भी बहुत स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि ये कैसे हो सकता है, मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, मीन्स हाउ कैन आई डू इट, एंड मुझे तो करने का बहुत मन भी हो गया था। मैं बहुत सारे दिनों बहुत लोगों का मैंने सॉप बबल फोटोग्राफी का ट्रिक मैंने देखा था, बट मुझे बहुत पसंद आ गया था। अब मुझे ऐसा था कि मुझे कैसे भी करके ये करना है। सो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उसके लिए जो हमारा लैपटॉप का स्क्रीन है उसको यूज़ किया। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में एक फ़ोटो एडिट कर रहा था, तो उसमें मैंने जैसे ही ओपन करते हैं तो आप सबको पता है कि इट्स अ वाइट बैकग्राउंड। तो मैंने ये सोचा कि वो वाइट बैकग्राउंड को मैं एक लाइट सोर्स की तरह क्यों नहीं यूज़ कर सकता। सो जस्ट मैंने सोचा कि ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में ही मैं उसका सेटअप रखूँगा, और उसी सेटअप के ऊपर मीन्स उस सेटअप के ऊपर जब लाइट जो पड़े वो लैपटॉप के स्क्रीन का लाइट होगा। सो मैंने सोचा कि ये क्यों नहीं किया जा सकता, सो आई डिड दैट, एंड मुझे रिजल्ट भी बहुत एक्साइटिंग मिला, लाइक मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा मिल सकता है। तो मैंने वो किया, सो
अभी मैं वो प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूँ, बट उसके लिए आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी तो चाहिए होगी ना वो सोप बबल क्रिएट करने के लिए। तो सोप बबल क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक सोप सॉल्यूशन। सो मेरे पास एक ये मैंने एक बोतल जैसा है मेरे पास, सॉरी एक कप जैसा, एक फ्लास्क जैसा एक छोटा सा है मेरे पास। सो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा शैम्पू लिया है, और शैम्पू को लेने के बाद मैंने उसको अच्छे से स्टिर किया है वाटर डालने के बाद। ऑल्सो आप जब बबल बनाना होता है तो बबल बनाने के लिए आपके पास एक पाइप जैसा कुछ होना ज़रूरी है। सो मेरे पास एक एल्बो था, एक पुराना वाला एल्बो। सो मैं इससे क्या करूँगा, मैं इसको ब्लो करूँगा और उसके थ्रू बबल फॉर्म होगा इसके ऊपर, और वो बबल के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो आप उससे पैटर्न्स देखने को मिलेगी और आप उससे क्लिक करोगे। सो जैसे कि मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, ये रहा, इसके ऊपर एक बबल फॉर्म हुआ है। तो बस इसी तरह से आपको बबल फॉर्म करना है। सो चलो लैपटॉप के ऊपर सेटअप को लगाते हैं, फिर देखते हैं। चलो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे अभी सोप बबल मुझे दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये वाइट बैकग्राउंड को इसके ऊपर किया है। तो आप प्रो मोड में आ जाओ, इसको थोड़ा सा जूम कीजिए। जैसे ही आप इसको जूम करोगे ना, आपको इसके ऊपर एक एक अच्छा सा पैटर्न दिखेगा। देयर इट इज, यू कैन सी द बबल पैटर्न। सो दिस वॉज द पैटर्न आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और ये बहुत ही कूल दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। वाओ, ये तो मतलब इंस्टाग्राम पे जो मैंने पोस्ट करने के लिए क्लिक किया था उससे भी काफ़ी बेटर दिख रहा है। सो देयर इज द पैटर्न, क्लिक इट, या मैंने क्लिक कर दिया है। होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हिट द बिग फैट लाइक बटन, एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।